तस्वीरें जींद जिले के एसपी आवास की हैं, जहां हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पीड़ित व्यक्ति के परिजनों ने एसपी आवास का घेराव किया है। इस दौरान पीड़ित परिजनों की पुलिसकर्मियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। गांव सुरबुरा निवासी राजेश के परिजन व रिश्तेदार बुधवार को पटियाला चौक पर एकत्रित हुए। पीड़ित राजेश की पत्नी बीना ने बताया कि उसके पति राजेश को पटियाला चौक निवासी मुस्कान उर्फ निशा ने अपने जाल में फंसाकर कुछ लोगों के साथ मिलकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसके पति से लाखों रुपए की डिमांड की गई। डिमांड पूरी न करने पर मुकदमे में फंसाकर जेल भिजवाने की धमकी दी गई। मामले को लेकर सौदेबाजी हो रही थी तो परिजनों ने उसकी रिकॉर्डिंग तथा वीडियो बना लिया। ब्लैकमेल करने की शिकायत शहर थाना पुलिस को दी गई। इसी बीच मुस्कान व उसके गिरोह के लोगों ने उसके पति राजेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। तीन महीने से गदी गेट बना रखे इस मैटर में, आज भी वही तरीका है। प्रशासन हनी ट्रैप गिरोह से पूर्ण रूप से मिला हुआ है और इसीलिए वो नहीं कार्रवाई कर रहा। हम एसपी साहब कोठी में गए थे, लेकिन प्रशासन के बड़े अधिकारी ने कहा था कि जी आप वहाँ आ जाओ, आपकी सुनेंगे। लेकिन पुलिस का इसमें सीधा सीधा एक ही रवैया है कि वहाँ से उठाना था और यहाँ बिठाना था, लेकिन पुलिस ये ना भूला है कि पैर हमारे अब भी हैं, गात में जान भी है, फिर वहीं पहुँच जाएंगे। लेकिन अब एक ही निश्चय लेके आए हैं कि जब तक वो गिरोह नहीं उठाया जाओगे ना भाई, घर नहीं जाओगे। किसकी शह मानते हैं, क्यों नहीं ऐसा कार्रवाई हो रही? इसमें स्थानीय विधायक के चेले हैं, वो साथी हैं, वो जो जींद का विधायक कृष्ण मिड्डा, जो चांदराम है, तो फिर वो सरकार का विधायक है, और जब सरकार का विधायक इतना नज़दीक है तो फिर कार्रवाई कैसे होगी? और जो और पीड़ित करे थे ना इसमें, ये पुलिस का एक प्रयास है उनको दबाने का, उनको डराने का, क्योंकि पुलिस को पता है कि लगातार कंप्लेंट आ गई है और अब तुम्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी और तुम्हारा खुलासा होगा। तो जब पुलिस का स्लोगन है ना, सेवा सुरक्षा और सहयोग, वो एक ही तरह काम कर रहा है, एक ही जगह काम कर रहा है। सेवा करनी है तो अपराधियों की, सुरक्षा करनी है तो अपराधियों की, सहयोग करना है तो अपराधियों का, और किसी का कुछ नहीं। अब आज अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा जो घर से चल के आए जी, अब यहीं बैठेंगे और यहीं बैठे रहेंगे, देखते हैं प्रशासन कब तक कार्रवाई नहीं करेगा। अगर पुलिस मतलब यहाँ से जबरदस्ती उठाने की कोशिश उठाएगी तो वो भी देखेंगे। अभी डीएसपी धर्मवीर जी जो कह रहे थे कोई बात, गोलमोल तरीका उनका, पहले भी धर्मवीर जी से मिले हैं, वही डाके तीन पात, कोई किसी किस्म का इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं है। तो किसी प्रकार की कोई संतुष्टिदायक बात नहीं? नहीं, अभी तक कोई संतुष्टि नहीं। और मैं तो आज आपके माध्यम से युवाओं से आह्वान करूंगा कि भाई देख लो इस पुलिस का और इस कानून का चेहरा और इस सरकार का चेहरा, बच लो सोशल मीडिया और फेसबुक से, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक तंत्र के हिसाब से फंसाते हैं नौजवानों को, और पुलिस पैसा बटोरने के ताक में है गिरोह के साथ। तो बच लो भाई और आज खड़े हो जाओ, नहीं तो आज एक छोरा नहीं, आज कई दर्जन बालक अंदर हैं, और भी तैयार हो जाओ, वो भी जाएंगे। वहीं प्रदर्शन की सूचना पाकर परिजनों से मिलने के लिए डीएसपी धर्मवीर खर्ब मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर शांत करवाया। तीन महीने से प्रशासन की इमदाद कर रहे हैं, तीन महीने से कानून की इमदाद कर रहे हैं। 12-18 घंटे बचते हैं, सारे खड़े हैं। मैं कौन ये छोड़ दे, उसका परिवार है, उसका परिवार है, सारा परिवार चाहते तो मम्मा बहुत सारे हैं। लख मारो मारो के मैं करता लख मारो अंदर करो अंदर करो तो नाम नाम की गिरफ्तारी होनी चाहिए उसके बारे में। हां मैं ये सबूत दिए सर, और आपका सबूत दिए आपने, कोई बात नहीं। सर मैं नहीं उठाने आता, मैं तो देख रहा हूं आपको। तो सर हम तो कुछ नहीं, हां मैं जाएंगे, सभी के बीच में आश्वासन दिया है कि हम 2 या 4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे, तो हमने विश्वास किया है। और SHO साहब और DSP साहब धर्मवीर जी को एक समय दिया है कि आपके पास इतवार तक का समय है, आप इतवार तक को गिरफ्तार कर लो तो सही, नहीं तो सोमवार को इससे भी बड़ा प्रदर्शन और इसी बढ़ के पेड़ के नीचे जींद के SP साहब के कार्यालय के सामने होगा, और उस दिन की सारी जिम्मेवारी इस प्रशासन की होगी
यही आश्वासन के साथ हमने आज धरने को स्थगित कराया है, समापन कराया आज। पुलिस ने जो इतवार तक का समय मांगा है। हाँ जी, पुलिस ने कहा है 2 या 3 दिन, लेकिन हमने पुलिस को इतवार तक का समय दिया। गौरतलब है कि पुलिस ने गत 18 जनवरी को उसकी शिकायत पर मुस्कान, उसकी मां कमलेश, चांदराम, पवन उर्फ सोनी व कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चौथ मांगने, ब्लैकमेल करने, महिला सेफ्टी कानून का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हनी ट्रैप में फंसाने वाले गिरोह को 3 माह बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि वो लगातार अधिकारियों की चौखट पर दस्तक दे चुके हैं। परिजनों ने पुलिस पर गिरोह के सदस्यों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।